नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। दरअसल जयपुर वो गए थे, जयपुर से राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। जयपुर से दिल्ली पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और वो जयपुर गए थे। जयपुर में भजनलाल शर्मा से उन्होंने मुलाकात की, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद वो राजधानी पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। तो जब भी डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजधानी आते हैं तो वो जरूर मुलाकात करते हैं केंद्रीय नेताओं से। इसके अलावा वो कई पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात करते हैं। और इसी सिलसिले में एक बार फिर डॉक्टर मोहन यादव जो जयपुर से लौटे हैं और राजधानी पहुंचे हैं, यहां पर भी वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के विकास और तमाम मुद्दों पर वो अक्सर बातचीत करते हैं केंद्रीय मंत्रियों से। हाल ही में उनकी जब मुलाकात कई केंद्रीय नेताओं से हुई थी तो कई बड़े बदलाव प्रदेश में देखने को मिले और कई बड़ी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत प्रदेश में होनी हो गई थी। अब एक बार फिर से जयपुर से वो राजधानी पहुंचे हैं और मुलाकात का सिलसिला यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अशरफ काजमी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, डॉक्टर मोहन यादव राजधानी में मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात भी कर सकते हैं, इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, करीब 5 बजे के आसपास केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी और इसमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रहेंगे और नदियों को जोड़ने की जो योजना केंद्र सरकार ने चलाई थी, जिसकी शुरुआत या ये कहा जाए कि नींव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी, उसी योजना को आज आगे बढ़ाया जा रहा है। नदियों की जोड़ने की योजना पर यहां पर बातचीत की जाएगी, इसमें एक MOU साइन भी हो सकता है। उसके बाद मोहन यादव साहब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी उन्होंने मिलने का समय मांगा है। जी बिल्कुल। और नदी के पानी को लेकर काफी समय से जो विवाद चल रहा था मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, उसको लेकर भजनलाल शर्मा से मोहन यादव ने बातचीत की है। क्या इन बातों को भी वो साझा कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों से जब उनकी मुलाकात होगी, या फिर प्रदेश के विकास में क्या कोई नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो केंद्रीय नेताओं से बातचीत करेंगे? का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार केन बेतवा योजना शुरू कर चुकी है, दो नदियों को जोड़ा गया था। इसी क्रम में अब एक नया MOU साइन होने की संभावना है और जिसमें नदियों को जोड़ा है और इस नदियों के जोड़ने से जहां पर पानी की पीने के पानी की दिक्कत है, फसलों की सिंचाई की दिक्कत है, उस समस्या को दूर करने में दोनों राज्यों की अहम भूमिका होगी। नदियों का पानी दोनों राज्यों को बराबर मिलेगा और इसी तरह का एक समझौता यहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री केंद्र गजेंद्र सिंह शेखावत के यहां होगा और उसके बाद फिर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि इसका फायदा किस किस को मिलेगा। लेकिन अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि यहां दोनों राज्यों में जहां पीने के पानी की किल्लत है और सिंचाई की, फसलों की सिंचाई के लिए वो समस्या दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। अशरफ, एक सवाल ये भी कि आज मोहन यादव यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे या फिर रवाना हो जाएंगे भोपाल के लिए? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़े, कई जगह से उन्होंने टाइम मांगा हुआ है। अगर कहें रात देर तक वो टाइम मिला या उनको कल सुबह का कहीं महत्वपूर्ण जगह से उनको टाइम मिल जाता है किसी केंद्रीय बड़े मंत्री के यहाँ से या गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ से, तो काफी संभावनाएं हैं कि मुख्यमंत्री आज यहाँ दिल्ली में रुकें और फिर कल वापस भोपाल जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अशरफ। तो फिलहाल आपको बता दें कि मोहन यादव जयपुर से लौट आए हैं और दिल्ली वो पहुंचे हुए हैं और यहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP प्रोजेक्ट में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच आज शाम तक समाधान हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ बैठक की है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ERCP पर काम आगे बढ़ाने की बात कही। दोनों राज्यों
में पानी के बंटवारे पर विवाद को सुलझाने को लेकर रजामंदी हुई है। दोनों मुख्यमंत्री साथ में दिल्ली जा पहुंचे हैं और माना यह भी जा रहा है कि शाम तक लगभग दोनों राज्यों के बीच एमओयू भी साइन हो जाएगा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मोहन यादव ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी पर काम नहीं किया, लेकिन हम इस मुद्दे पर अंजाम तक पहुंचेंगे। सीएम मोहन की माने तो इससे दोनों राज्यों की बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा। तो सीधे तौर पर प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाने के लिए दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बातचीत के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के विकास की भूख के साथ बैठी हुई थी या उनकी अपनी दरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। योजना बनी, योजना आगे बढ़ती, उसी बीच माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी और उसने इस योजना को डंप करा दिया। यह हमारे लिए वर्तमान का समय और भाग्यशाली है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर महत्व के इस विषय को हाथ में लिया और हमारी सरकार मध्यप्रदेश में तो बनी थी लेकिन राजस्थान सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। माननीय भजनलाल जी उस संबंध में बताएंगे, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जैसे ही माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी और हमारी तो मध्यप्रदेश सरकार पहले से उस इशू पे बैठी हुई थी जिसके आधार पर ये एक बड़ी योजना का लाभ हमारे ये लगभग मध्यप्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास, इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे, 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है, आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन अभी कुछ इशू बाकी है, अभी रात तक हम हमारे दोनों राज्यों के अधिकारी लेवल पर इस पर चर्चा बाकी है। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के हित में शाम तक कोई इस मुकाम तक पहुंचे। पन्ना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में एक तरफ बंटाधार का परिवार है, दूसरी तरफ करप्शन नाथ का परिवार है। कहीं जा ही नहीं सकती, एक ही परिवार है और मध्य प्रदेश के अंदर भी एक ही परिवार है, वो श्रीमान बंटाधार का परिवार और श्रीमान करप्शन नाथ का परिवार। तो परिवारवाद और तुष्टिकरण में कांग्रेस उलझी है। क्या कर लेंगे जीतू पटवारी, क्या धरा है उनके पास, वो भी चुनाव हार करके बैठे हैं। इसलिए ये कांग्रेस केवल अपनी कवायदे हैं जो करती है, तो इसलिए कांग्रेस इनसे उभर नहीं सकती। दुनिया के अंदर 22 जनवरी को इतिहास बना, कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। अरे जनता इन्हें बूथ बूथ नहीं, हर जनता के मन से कांग्रेस का बहिष्कार होने वाला है और हो रहा है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इस देश की और दुनिया की। दुनिया में रिश्ते बन रहा है, ब्रिटेन के अंदर छुट्टी हुई, लोगों ने जुलूस निकाले, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर, दुनिया के अंदर जब जलसा मना, दुनिया ने भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था व्यक्त की। और ये कांग्रेसी केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर बहिष्कार किए। और अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह का लोकसभा में आना पक्का है, दिल्ली आएंगे तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। रामदास अठावले ने शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव शिवराज सिंह का लड़ना पक्का है और अगर वो दिल्ली आएंगे तो जाहिर सी बात है कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। इससे पहले दिल्ली जाने के बयान को लेकर कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन अब ये देखना होगा कि वाकई में क्या लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। हालांकि ये जो ऑफर दिखाई दे रहा है कैबिनेट मंत्री बनने का, इसको क्या वो एक्सेप्ट करेंगे,
रामदास अठावले का यह बयान कई मायनों में खास माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले और उन्होंने कहा कि लोकसभा में आना पक्का है शिवराज सिंह चौहान का, दिल्ली आएंगे तो कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक 6 फरवरी को होने जा रही है। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विधायक दल की बैठक में सबकी सहमति से घेराव पर निर्णय लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के निदान के लिए जल्द ही जनता दरबार की शुरुआत की जाएगी और बहुत जल्द ही इसकी तारीख, दिन और समय तय किया जाएगा। देखिए, 6 तारीख को हमारी विधायक दल की बैठक और चूंकि पार्टी में सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं तो विधानसभा में तो अंदर घेरेंगे, विधानसभा के बाहर भी आवश्यकता रही तो वो भी घेरेंगे। स्वाभाविक है कि सरकार सुनना नहीं चाहती आम व्यक्ति की समस्याएं, तो हमारा फर्ज है विपक्ष के नाते, तो सप्ताह में मैं 2 दिन चाहूंगा कि भोपाल स्तर पर सभी आम प्रदेश की जनता से मिलूं और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। समय तय कर दिया है, वार तय करना है तो वह आग भी आपको बता दिया जाएगा। और अब बात होगी इंदौर की, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने मजाक मजाक में घर का राज खोल दिया है। एक कार्यक्रम में फाइनेंस पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि बाजार में उनकी साख चाहे जितनी की हो लेकिन घर में उनकी साख 3,000 रुपए की है। उनकी पत्नी आज भी उन्हें 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं देती है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाएं फाइनेंस मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझती हैं और इसीलिए हमारी वित्त मंत्री महिला ही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। किसी भी सरकार के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण होती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री महिला के हाथ में और घरों के अंदर भी महिला के पास ही रहती है, वही घर चलाती है। तो मैं दोस्तों से बोलता हूँ कभी कभी मजाक में कि यार मेरी बाजार में कितनी भी साख हो पर घर के अंदर 3,000 रुपये की है, इतनी भी 3,000 ज़्यादा देती है नहीं घर। तो और वो भी उसमें फिर मैंने 3,000 जल्दी ख़त्म करती है तो उनके क्यों तुमने 3,000 ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर, मैंने कहा 4-5 मंदिर में गया था तो क्या 5-5 सेकेंड रोड चढ़ दिए, ठीक है 50-50 के 5-7 और रखना चालू कर दिए। मैं मैनेजमेंट बता रहा हूँ फाइनेंस का कि महिलाएं किस तरीके से संभालती है, और यही कारण है कि फाइनेंस मिनिस्टर महिला है तो भारत की साख। कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बहुत जल्द बजट पेश होने वाला है और केंद्र सरकार इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास लाएगी ये देखना अभी बाकी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रतलाम की, जहां युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। आरक्षक पर कार्रवाई की मांग हो रही है। धरने पर विधायक कमलेश्वर डोडियार भी पहुंचे हैं। आरक्षक के थप्पड़ मारने के बाद युवक ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद अब आरक्षक पर कार्रवाई करने की मांग हो रही है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर ये मांग कर रहे हैं कि आरक्षक पर कार्रवाई हो, क्योंकि इसी आरक्षक ने किसी बात को लेकर थप्पड़ मार दी थी युवक को। आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, वो CCTV फुटेज भी दिखा रहे हैं जहाँ पर आरक्षक ने युवक को थप्पड़ मारा था और उसके बाद युवक परेशान हो गया, इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली और इसीलिए मांग हो रही है परिवार वालों की तरफ से कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। खबर रतलाम से है, जहां जयपुर ब्लास्ट की साजिश रचने के मामले में NIA ने फरार फिरोज खान के पोस्टर चौराहों पर चस्पा किए हैं। 5 लाख का इनाम भी इस पर घोषित किया गया है। आपको बता दें कि 28 मार्च 2022 को राजस्थान के निम्बाहेड़ा के पास चेकिंग के दौरान विस्फोटक पकड़े गए थे और अब तक इस मामले में कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जयपुर ब्लास्ट की साजिश रचने वाले बदमाशों में से फरार एक आतंकी फिरोज खान का जो पोस्टर है वो NIA ने अब शहर के कई प्रमुख चौराहों पर चस्पा किया है। ये वो पोस्टर है जो कि धान मंडी क्षेत्र में लगाया गया है। 28 मार्च 2022 को इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था जब निम्बाहेड़ा के पास चेकिंग के दौरान 3 आतंकियों से बड़े पैमाने पर विस्फोटक पकड़ाया था। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड इमरान सहित 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि फिरोज खान जो कि रतलाम के आनंद कॉलोनी क्षेत्र का रहने वाला है अब तक के
फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार NIA छापामार कार्रवाई कर रही है। 5 लाख का इनाम भी इसके ऊपर घोषित किया है। और अब जो है NIA ने चस्पा करके यहाँ पोस्टर लोगों से अपील की है कि जो भी इसका पता बताएगा उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी, साथ ही साथ उसे 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम।